नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेबीज़ वर्ल्ड इंडिया में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की हैंडराइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए और साथ ही हैंडराइटिंग को अच्छी बनाने के लिए कुछ तरीके, कुछ टेक्निक्स, जिसे आप अगर हर रोज अपने बच्चे से 20 मिनट भी ये चीज़ें करवाते हैं तो आपके बच्चे की हैंडराइटिंग स्पीड में और हैंडराइटिंग की क्वालिटी में डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा। तो आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकॉन को। तो दोस्तों, ये वो पैटर्न्स हैं जिस पे आपको अपने बच्चे से ट्रेस कराना है। इस तरह की ट्रेसिंग बुक्स भी मिलती हैं, और अगर बुक्स ना मिले तो बिल्कुल आप इसे घर पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से एक पेज पे ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद उसकी ज़ेरॉक्स कॉपीज बना लीजिए। एक पेज पे हमेशा एक तरह के पैटर्न लिखिए और उस पे ही बच्चे को ट्रेस करने के लिए कहिए। कितना भी बड़ा बच्चा हो, फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो, सिक्स स्टैंडर्ड में हो, इन पैटर्न्स पे प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए। बड़ा बच्चा है तो छोटे छोटे लाइंस में, मतलब कि यहाँ पे मैंने दो लाइंस में बना के ये पैटर्न्स आपको बताएं, लेकिन अगर बच्चा बड़ा है तो एक लाइन में ही इन पैटर्न्स को छोटे छोटे साइजेस में बना के दीजिए। डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चा कितना बड़ा है, 2 से 5 पेज की प्रैक्टिस अगर आप हर रोज़ अपने बच्चे से करवाते हैं इन शीट्स पे, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको 1 महीने के अंदर बच्चे की राइटिंग स्पीड और उसकी हैंडराइटिंग की क्वालिटी में ट्रिमेंडस डिफरेंस दिखेगा। और एक चीज़, ट्रेसिंग करने से कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, क्योंकि बच्चे को अगर आप कुछ लिखने बोलोगे तो वो अपने हिसाब से लिखेगा, कोई अक्षर बड़ा कोई अक्षर छोटा, लेकिन अगर आपने पैटर्न उसको दिया हुआ है तो उसको उसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है, तो उसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हैंडराइटिंग अच्छी होगी और राइटिंग की स्पीड तो बढ़ेगी ही। देखिए, अगर आपके घर में एक उम्र के एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उन्हें एक साथ बिठा के इन शीट्स को ट्रेस करने के लिए दे सकते हो और उन्हें टाइम दे सकते हो कि इस टाइम के अंदर कौन सबसे ज़्यादा सही तरीके से कितने सारे पेजेस करता है, यानी कि 10 मिनट में बच्चों ने कितने सारे पेजेस किए, और फिर आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हो। इस तरह से इस एक्टिविटी को आप बच्चे के लिए फ़न बना सकते हो। कुछ ट्रेसिंग बुक्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।